सो गुड मॉर्निंग है सारे के सारे लोग, सब लोग फटाफट जुड़ जाइए आप सबके अपने चाणक्य बैच में। और दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अब हम लोग करने वाले हैं हमारे सेशन की शुरुआत। शिवम सार्थक गुड मॉर्निंग है, और जितने भी लोग हैं सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। विलंब हुआ थोड़ा सा तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता है क्योंकि पहली क्लास होती है, तो इसीलिए। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत। यदुवंशी विजय जी, शिवम सार्थक जी और बाकी सब लोग जो लोग भी जुड़ रहे हैं, कृष्ण कुमार खराबर, सब लोगों को प्रणाम है। तो सब लोग जुड़ जाइए फटाफट। तो दोस्तों, पिछली क्लास में आप सबको याद होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर अप किया था हमारे पृथ्वी के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में। हम लोगों ने कवर अप किया था हमारे पृथ्वी का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत यानी कि नेबुला थ्योरी को हम लोगों ने देखा। देन उसके बाद हम लोगों ने थ्योरी ऑफ लैपलासे का देखा, लैपलासे का सिद्धांत देखा। देन उसके बाद हम लोगों ने हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी कि हमारे कुछ हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है, इसके इंटीरियर स्टडी को, डेंसिटी स्टडी को कवर अप किया। एंड देन उसके बाद हम लोग हमारे टेम्परेचर स्टडी को कवर अप किए। एंड देन हम लोग हमारे स्ट्रक्चरल स्टडी को कवर अप किए थे कि भाई डायरेक्ट एविडेंस कहां से मिले, इनडायरेक्ट एविडेंस कहां से मिले। और फिर उसके बाद मैंने आपको एडवर्ड स्वेस के कुछ कॉन्सेप्ट से रूबरू कराया। एंड देन उसके बाद हम लोग आ पहुंचे थे हमारे पिछली क्लास में सिस्मिक वेव्स क्या होता है इस पहलू पर। और याद होगा आप सभी लोगों को कल की क्लास में कि हम लोगों ने सिस्मिक वेव्स या सिस्मिक वेव्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा किया था। आदित्य तिवारी, दिलीप कुमार, प्रणाम है सारे लोगों को। तो हम लोगों ने देखा था कि यार जो सिस्मिक वेव्स है, हमने यह जाना कल की क्लास में कि चार प्रकार के सिस्मिक वेव्स या जिसको हम भूकंपीय तरंग कहते हैं वह होते हैं। अब इन चार प्रकार में भूकंपीय तरंग कौन कौन से होते हैं, PSLV, जिसमें से हमारे लिए कामगर इस एक्सपेरिमेंट में था PS और L। और इन सिस्मिक वेव्स, इन भूकंपीय तरंगों की बात अगर हम करते हैं तो इनकी एक खास बात होती है, इनफैक्ट दो खास बात होती है। पहली खास बात यह होती है कि इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए यानी कि इनको माध्यम चाहिए। ये ऐसे वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, या तो ये सॉलिड में ट्रेवल करेंगे, या तो ये लिक्विड में ट्रेवल करेंगे, नहीं तो ये गैस में ट्रेवल करेंगे। ऐसे ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने इसका दूसरा फीचर देखा कि इनका जो बिहेवियर है ये अकॉर्डिंग टू आपके मीडियम यानी कि माध्यम के आधार पर इनका जो बिहेवियर है वो आपके बदलते रहता है। इन सारे पहलुओं को हम लोगों ने कल की क्लास में जाना था कि जैसा माध्यम होगा उस हिसाब से इनका बिहेवियर होगा, और उस हिसाब से इनका बिहेवियर जो है बदलते रहता है। तो इन सारे पहलुओं को भी हम लोगों ने हमारे पिछली क्लास में जाना था, राइट। देन उसके बाद हम लोगों ने जाना था प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स की विशेषताओं के बारे में कि प्राइमरी वेव्स जो है या आपके सॉलिड में सबसे ज्यादा तेज में प्रोपोगेट करेगी, सबसे ज्यादा तेज में गति करेगी, ट्रेवल करेगी, लिक्विड में उसके बाद एंड गैस में उसके बाद। और वहीं हमने देखा कि भाई जो हमारा सेकेंडरी वेव्स है ये केवल और केवल सॉलिड और गैस में ही ट्रेवल करता है या लिक्विड में ट्रेवल नहीं करता है। तो प्राइमरी तीनों में ट्रेवल करेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन इसकी गति जो है सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उसके बाद और गैस में उसके बाद। और सेकेंडरी वेव्स जो है यह केवल और केवल सॉलिड लिक्विड में जाएगा यानी कि वह सॉलिड और गैस में जाएगा, वह लिक्विड में नहीं जाएगा। तो इस दो चीज को बस दिमाग में रखिएगा कि जो आपका सेकेंडरी वेव्स है या लिक्विड में नहीं जाता है, या लिक्विड में अगर देखा जाए यानी कि अगर द्रव्य में देखा जाए तो यह द्रव्य में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा द्रव्य में, इसको ध्यान रखना है। और प्राइमरी वेव्स जो है यह तीनों में ट्रेवल करता है लेकिन सॉलिड में इसकी रफ्तार जो होती है सबसे ज्यादा हो जाती है। अब आइए सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसके साथ करें, प्राइमरी के साथ करें या सेकेंडरी के साथ करें, जो बताइए कौन से वेव के साथ सबसे पहले प्रयोग करके आपको बताएं, बोलिए प्राइमरी से करें या सेकेंडरी से करें। प्राइमरी के बारे में समझ लिए कि ये सारे के सारे माध्यम में ट्रेवल करेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में, लेकिन सॉलिड में इसकी गति रफ्तार सबसे तेज होगी, लिक्विड में उसके बाद और गैस में उसके बाद। और सेकेंडरी वेव्स जो है यह केवल और केवल जो है आपके केवल और केवल अगर देखा जाए तो यह हमारे सॉलिड और गैस में ही ट्रेवल करता है, यह लिक्विड में ट्रेवल नहीं करता है। तो चलिए शिवम जी बता रहे हैं, उन्हीं की बात को समझते हैं। शिवम जी बता रहे हैं कि सर सबसे पहले सेकेंडरी वेव्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके बताइए। तो आइए अब सेकेंडरी वेव्स के साथ अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले सेकेंडरी वेव्स को हम प्रोपोगेट करेंगे हमारी पृथ्वी पर। अब सेकेंडरी वेव्स को हम प्रोपोगेट करते हैं हमारी पृथ्वी पर, तो आइए सेकेंडरी वेव्स प्रोपोगेशन, हेडिंग डालिएगा सारे के सारे लोग,
साहिलो हेरी डालिएगा, सेकेंडरी वेव्स प्रोपोगेशन यानी कि द्वितीय तरंग प्रसार, सब लोग हेरी डालिएगा, द्वितीय तरंग प्रसार, सेकेंडरी वेव्स प्रोपोगेशन या द्वितीय तरंग प्रसार, सेकेंडरी वेव प्रोपोगेशन या जिसको हम कह सकते हैं द्वितीय तरंग प्रसार, द्वितीय तरंग प्रसार। अब आइए सेकेंडरी वेव्स के बारे में हमने क्या जाना था, तो यह लिक्विड में ट्रेवल नहीं करेगा, यानी कि लिक्विड में ट्रेवल नहीं करेगा, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि द्रव्य में गति नहीं करेगा, ठीक है, वॉन्ट ट्रेवल इन लिक्विड, यानी कि इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये जो है इट वॉन्ट ट्रेवल इन लिक्विड। तो भैया कहां ट्रेवल करेगा यह, तो हमने अभी जस्ट इसके बारे में जाना था, ओनली सॉलिड एंड गैस, केवल ठोस और गैस में गति। अब आइए हम लोग देखते हैं सेकेंडरी वेव्स के साथ हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले हमने हमारी पृथ्वी को, हमने हमारे क्या किया कि हमारी पृथ्वी को एक तरफ से, यानी कि अगर हम बात करते हैं जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी के अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी के एक पोल की तरफ से इसको प्रोपोगेट किया सेकेंडरी वेव्स को। अब ये सेकेंडरी वेव्स को जब हमने इसको प्रोपोगेट किया हमारे नॉर्थ पोल से, जैसे लेट अस सपोज कीजिए ये हमारा नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, इस उत्तरी ध्रुव से हमने हमारे सेकेंडरी वेव्स को प्रोपोगेट किया, और सेकेंडरी वेव्स को, कोई बात नहीं पूजा कृष्णन जी, सेकेंडरी वेव्स को गुड मॉर्निंग है, सेकेंडरी वेव्स की बात अगर हम करते हैं तो सेकेंडरी वेव्स को हमने यहां से प्रोपोगेट किया। अब जब हमने सेकेंडरी वेव्स को प्रोपोगेट किया मतलब कि इसका हमने प्रसार किया, तब हमने पाया कि भाई सेकेंडरी वेव्स जो है, जैसे हमने यहां पे मान के चले लेट अस सपोज कि सेकेंडरी वेव्स को यहां से प्रोपोगेट किया, जैसे लेट अस सपोज कि हमने सेकेंडरी वेव्स को यहां से आगे बढ़ाया सारे डायरेक्शन में, ठीक है, आगे बढ़ाया हमने यहां से, लेकिन हमने एक चीज को नोटिस किया कि सेकेंडरी वेव जो है जैसी हमने आगे बढ़ाया कुछ समय के बाद, यानी कि तकरीबन तकरीबन अगर देखा जाए तो 2900 डेप्थ के बाद, जैसे लेट अस सपोज मान के चलिए यहां तक का जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ आप देख रहे हैं ये 2900 किलोमीटर का डेप्थ है, ठीक है, ये डेप्थ मान के चलिए 2900 किलोमीटर का डेप्थ, तो हम यहां पे देखते हैं कि जो सेकेंडरी वेव जो हमने यहां से पुश किया था या सेकेंडरी वेव जो आगे जा रहा है ये लगभग 2900 किलोमीटर के डेप्थ के बाद डिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी कि मुड़ जाता है, ये क्या कर जाता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है, मुड़ जाता है। तो इससे हमें यह पता चला कि यहां पे लिक्विड है, इससे हमें क्या पता चला कि यहां पर लिक्विड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इससे हमें यह पता चला कि सेकेंडरी वेव्स को जब हमने प्रोपोगेट कराया तो हमने देखा कि भाई जो है नॉर्थ पोल से जब हमने इसको प्रोपोगेट कराया तो हमने देखता है 2900 किलोमीटर के बाद, यानी कि 2900 किलोमीटर के बाद ये क्या कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है। और सेकेंडरी वेव्स के बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी यहां पर ऑलरेडी कि यह केवल और केवल लिक्विड में ट्रेवल नहीं करेगा। तो यहां से हमने एक कंक्लूजन निकाला, हमने यहां से देखा कि लगभग 2900 किलोमीटर के बाद यह मुड़ रहा है, लगभग, या सिंपल समझिए कि हमने क्या किया कि जब उत्तरी ध्रुव से, ध्रुव से एस वेव लिखेंगे, ठीक है, एस वेव समझ जाएगा, द्वितीय तरंग का प्रसार किया, प्रसार किया, तब 2900 किलोमीटर के बाद यह तरंग मुड़ गई, ठीक है। When we
प्रोपोगेट एस वेव फ्रॉम नॉर्थ पोल देन आफ्टर 2900 किलोमीटर इट डिफ्लेक्टेड। ये क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि यह मुड़ गया। ठीक है, तो अब यहां से हम एक चीज को कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आपका परत आपको देखने को नजर आ रहा है, या कहीं ना कहीं लिक्विड का है, ये जो परत आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं द्रव्य का, या जिसको हम कह सकते हैं लिक्विड का है, इसका हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो अब हो चुका था। तो इतना हमने यहां से देख लिया कि ये कहीं ना कहीं परत जो हमारा है, इट इज मेड अप ऑफ लिक्विड, ये जो हमारा है लिक्विड का यानी कि द्रव्य का परत है, इसका हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका था। तो ये था हमारा सेकेंडरी वेव का एक्सपेरिमेंट। अब इसको अगर आप 2D पिक्चर में देखना चाहें, ये तो हमने हाथ से बना दिया आपके सामने, लेकिन अगर आप इसी को थोड़ा इमेज फॉर्म में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से हमारे पृथ्वी पे, आप देखिए कि हमने नॉर्थ पोल से इसको प्रोपोगेट किया और लगभग 2900 किलोमीटर के बाद यह क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि यहां से यह पास ऑन नहीं कर पा रहा है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है, मतलब कि इसको पास ऑन नहीं कर पा रहा है। पास ऑन नहीं करेगा तभी तो हम समझ पाएंगे कि यहां पे लिक्विड है, तभी पास ऑन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि द्वितीय तरंग की एक खास बात हमने जानी थी कि द्वितीय तरंग जो है केवल और केवल जो है लिक्विड जो है यानी कि जो द्रव्य है वहीं से पास ऑन नहीं करेगा। तो यहां से हमने एक चीज को जान लिया। तो इसको भाई समझने में किसी को कोई दिक्कत, सिस्मिक वेव्स का जो हमारा, ये जो हमारा सेकेंडरी वेव्स प्रोपोगेशन है, द्वितीय तरंग प्रसार है, इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत यहां तक बताइएगा, सेकेंडरी वेव्स में क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट को समझने में किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट समझिएगा तभी हम आपको बता पाएंगे कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है, ठोस है, लिक्विड है, गैस है, या जेली लाइक स्ट्रक्चर है, कौन कौन से ऐसे तमाम तरह के स्ट्रक्चर है, या जब तक आप इस एक्सपेरिमेंट को नहीं समझिएगा तब तक आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो ये सेकेंडरी वेव्स का एक्सपेरिमेंट सबको क्लियर है, बताइएगा इज इट क्लियर नाउ फॉर एवरीवन कि सेकेंडरी वेव्स यानी कि द्वितीय तरंग का जो ये प्रयोग हमने किया, ये सबको क्लियर है? कुछ तो बताइए भाई सारे लोग। चलिए, तो आई थिंक ये आपको क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे प्राइमरी वेव्स तरंग में, यानी कि प्राथमिक तरंग का प्रसार। हेडिंग डालिएगा प्राइमरी वेव्स तरंग, या जिसको हेडिंग डालिएगा प्राथमिक वेव का प्रसार। प्राथमिक तरंग प्रसार, प्राइमरी वेव प्रोपोगेशन। आइए, अब प्राइमरी वेव्स के बारे में हम लोगों ने जाना था, याद कीजिए कि प्राइमरी वेव्स के बारे में भी दो फीचर हमने जाना कि यह जो है सारे मीडिया में ट्रेवल करेगा, ट्रेवल इन ऑल मीडियम। पहला फीचर तो हमने यह जाना था कि यह क्या करेगा, तो यह सारे माध्यम में गति करता है, और दूसरा पॉइंट हमने यह जाना था कि इसकी जो गति है, स्पीड जो है इसकी, यानी कि इसकी जो गति है वह सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, सॉलिड के बाद लिक्विड में, और लिक्विड के बाद गैस में। यह चीज हमने जाना था यहां से, राइट? अब यहां से हम लोगों ने इस चीज को जाना, इस चीज को हमने समझा, ठीक है, इस चीज को हमने समझा, ठीक। तो यहां से हमने प्राइमरी वेव्स के बारे में जाना कि भाई प्राइमरी वेव्स जो है ये सारे के सारे माध्यम में ट्रेवल कर जाते हैं, लेकिन इसकी गति जो होती है सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उसके बाद होती है, और गैस में उसके बाद होती है। अब इसी जो हमारा अर्थ है, अब हमारे अर्थ की बात करते हैं, तो हमने भी वही एक्सपेरिमेंट किया जो सेकेंडरी वेव्स में किया था, इसमें भी हमने वही एक्सपेरिमेंट किया कि जो हमारा नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल से हमने इसको पास ऑन करा दिया, नॉर्थ पोल से हमने क्या किया, तो इसको हमने पास ऑन करा दिया, ठीक है, प्रोपोगेट कराया नॉर्थ पोल से, और हमने एक चीज को ऑब्जर्व किया कि लगभग वही डिस्टेंस पे, जो कि आपका 2900 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि वही डिस्टेंस लगभग 2900 किलोमीटर का, जहां से वो वेव जो है पास करना बंद कर दी थी, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं वही डिस्टेंस,
जो कि 2900 किलोमीटर का है। यहां से ये जो है, यहां से जो ये है, ये वेव जो है, क्योंकि ये तो सारे माध्यम में ट्रेवल कर जाती है, तो यहां से तो ये पास ऑन कर गई, यहां से ये पास ऑन कर गई, लेकिन इसकी रफ्तार जो है, स्पीड जो है डिक्रीज कर गई। इसकी स्पीड क्या हो गई? डिक्रीज कर गई, यानी कि गति जो है वह कम हो गई। तो हम यहां से देख सकते हैं कि दूसरा एक्सपेरिमेंट से हमने क्या पाया कि हमने जब प्राथमिक वेव को नॉर्थ पोल से प्रोपोगेट किया, प्राइमरी वेव्स यानी कि प्राथमिक तरंग को उत्तरी ध्रुव से प्रसार किया, तब 2900 किलोमीटर के बाद इसकी गति कम हो गई। यानी कि अगर देखा जाए तो व्हेन वी प्रोपोगेट प्राइमरी वेव फ्रॉम नॉर्थ पोल, देन इट्स स्पीड डिक्रीजेस आफ्टर 2900 किलोमीटर इन डेप्थ। यानी कि 2900 किलोमीटर की गहराई पे जाने के बाद इसकी जो स्पीड है, इसकी जो गति है, वह क्या हो रही है? तो वह आपके कम हो जा रही है। तो यह हमें सीधा सीधा पता चल गया कि स्पीड की गति कम कब होगी? जब मीडियम चेंज हो रहा है, और मीडियम चेंज हो रहा है मतलब कि यह लिक्विड है। इसके बारे में हमने इसके यहां से जानकारी इकट्ठा कर ली। तो अब थोड़ा बहुत हमारे आइडिया हो चुका था यहां से कि हमारे पृथ्वी के इनसाइड में, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर सतह में क्या है, इसका थोड़ा बहुत आइडिया अब हमें हो चुका था। अब हमें जरूरत थी एक जबरदस्त ऑब्जर्वेशन की। इसको समझ गए सब लोग? प्राइमरी वेव्स को सारे के सारे लोग समझ गए कि क्या है प्राइमरी वेव्स? बताइएगा, बताइएगा, इज इट क्लियर नाउ? सारे के सारे लोगों को प्राइमरी वेव्स सब लोगों ने समझ लिया? बोलेगा पूजा कृष्णन सिंह जी, दिलीप कुमार जी, आदित्य तिवारी, सब लोगों को समझ में आ गया कि प्राइमरी वेव्स क्या है, सेकेंडरी वेव्स में क्या हुआ? अब आइए हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप लोग जोश दिखाइए भाई, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। अब आइए, हम लोगों ने क्या क्या यहां से ऑब्जर्व किया इसके बारे में समझते हैं। अब हम लोगों ने यहां से क्या क्या ऑब्जर्व किया, आइए जरा सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। आइए, अब जैसे लेट अस सपोज, मान के चलिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। हमने क्या किया, जैसे लेट अस सपोज मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी है, हमने क्या किया, जैसे एक तरबूज का टुकड़ा होता है, उस तरबूज के टुकड़े के मार्फत हमने एक कोना हमारी पृथ्वी का निकाला, और पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए हम हमारे पृथ्वी को अब थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर हमारे पृथ्वी के अंदर है क्या। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस टुकड़े को हमने निकाला, जैसे टुकड़े को निकालने के लिए आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, कि हमारी पृथ्वी के अंदर आखिर क्या क्या है, कौन कौन सी परतें हैं। परत है, इसके बारे में तो जानकारी हो गई थी हमारे लैप्सेसे के सिद्धांत से, आपको लोगों को कल ही मैंने बताया था कि हमारी परत पृथ्वी की परतदार संरचना है। यह हमें कहां से पता चला? तो यह हमें पता चला था लैप्सेसे का सिद्धांत, जो कल ही हम लोग क्लास में पढ़ा था, थ्योरी ऑफ लैप्सेसे, लैप्सेसे का सिद्धांत, कि हमारी पृथ्वी का एक परतदार संरचना है। अब इस परतदार संरचना में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, आइए जरा समझते हैं कि हम लोग हमारे पृथ्वी को जरा पहले समझाते हैं, निकालते हैं, और एक ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, अवलोकन यानी कि अब इस एक्सपेरिमेंट को जरा हम समझते हैं कि क्या क्या है एक्सपेरिमेंट में। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले थोड़ा स्पेस लेके बनाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझने वाला चीज है ज्यादा। जैसे मान के चले ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, लेट अस सपोज ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। अब ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, अब इस पृथ्वी के ऊपर सतह भी है। जैसे लेट अस सपोज मान के चलिए कि ये जो है हमारा सतह है, ये हमारा क्या है, सतह है, ठीक।
ये हमारा लैंड है, हरा से कर रहे हैं मतलब लैंड है। इसके अलावा ये हमारा क्या है, तो ये हमारा समुद्री सतह है, ठीक है, ये हमारा क्या है, समुद्री सतह है। अब हमारी पृथ्वी है, दोनों एक्सपेरिमेंट में आपको बताते हैं कि हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहां से सारे के सारे लोग, सबसे पहले जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ये हमारा क्या है, तो ये हमारा कॉन्टिनेंट है, यानी कि महाद्वीप है, ये हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, और ये हमारा क्या है, महासागर है, ये हमारा महाद्वीप है और ये हमारा महासागर है, ओशन। अब इसके बाद जो पहला लेयर आया उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, तो ये जो पहला लेयर अभी आएगा इसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर, यानी जो पहला लेयर आपको मिला हमारी पृथ्वी का इस एक्सपेरिमेंट में, वो हमारा क्या कहलाया, वो हमारा कहलाया लिथोस्फीयर, या जिसको हम कहते हैं स्थल मंडल। ये हमारा पहला लेयर आया हमारी पृथ्वी के अंदर, क्या क्या है इस लेयर से आपको समझ में आएगा। ये जो हमारा पहला लेयर आया, ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा पहला लेयर आप देख रहे हैं इसको हम लोगों ने नाम दिया लिथोस्फीयर, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाया, लिथोस्फीयर, जिसको हम कहते हैं स्थल मंडल। इसके अलावा याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स, अभी मैं आपको इसमें एक्सपेरिमेंट में जो हमने पढ़ा, देखिएगा ध्यान से, पी जो है रिप्रेजेंट करेगा प्राइमरी वेव्स को, ध्यान रखना है, पी रिप्रेजेंट प्राइमरी वेव्स, यानी कि पी जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, तो प्राथमिक तरंग। अभी हम एक्सपेरिमेंट में, अब हर जगह पी वेव्स वेव्स तो नहीं लिखेंगे, प्राइमरी वेव। और एस किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, तो एस रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी वेव को, सेकेंडरी वेव यानी कि द्वितीय तरंग को। साथ ही साथ अगर हम यहां पे इस पिक्चर में आपको ऐसे एरो ऊपर रखें, मतलब कि इंक्रीज ऑफ स्पीड, इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज ऑफ स्पीड, अगर हम एरो ऊपर रख रहे हैं ऐसे, अगर हम एरो ऊपर रख रहे हैं मतलब कि इंक्रीज ऑफ स्पीड, और अगर हम एरो नीचे डाले मतलब कि गति का कम होना, गति का कम होना, ठीक है। P रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी वेव्स को, S रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंडरी वेव्स को, और अगर हम इस एरो ऊपर रखें मतलब गति तेज हो रही है, और एरो नीचे रखें मतलब गति जो है डाउन हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पर, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस बीच में, सबसे पहले तो इस बीच में ही हम लोग बात करते हैं कि भाई जो हमारा लेयर है, अगर हम बात करते हैं ये जो हमारा लेयर है लिथोस्फीयर, जिसको हम लोगों ने नाम दिया, इस लिथोस्फीयर में क्या चल रहा है, तो इस लिथोस्फीयर की बात अगर हम करते हैं तो यहां पे सबसे पहले आपके प्राइमरी वेव्स आया, प्राइमरी वेव्स की रफ्तार बढ़ी, और सेकेंडरी वेव्स की भी रफ्तार जो है इस यहां पे आपके बढ़ जाती है। तो लिथोस्फीयर जिसको हम कहते हैं स्थल मंडल, यहां पे प्राथमिक और सेकेंडरी यानी कि प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स दोनों की रफ्तार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमने क्या पाया कि हमारा जो स्थल मंडल है, हमारे पृथ्वी का जो पहला लेयर है, हमारी तरंगे जाते ही अंदर, इसकी रफ्तार क्या हो रही है, बढ़ रही है। देन उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले लेयर की तरफ, अगला लेयर हमारा क्या है, तो अगला लेयर ये है, अगला लेयर हम थोड़ा दूसरे कलर से कर देते हैं, पिंक से कर देते हैं, थोड़ा आपको लियर होगा, उसके बाद कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स है, कुछ समय के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा और प्राइमरी और सेकेंडरी जो वेव्स है इसकी रफ्तार क्या होती है। तो कुछ समय के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स है इसकी रफ्तार कम हो रही है, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स की रफ्तार कम हो रही है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स की रफ्तार कम हो रही है, मतलब कि अब ये क्या है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा लेयर है, दूसरा लेयर जिसको हम कह रहे हैं, ये क्या है, लिक्विड तो है नहीं, लिक्विड क्यों नहीं है, क्योंकि लिक्विड होता तो सेकेंडरी वेव्स ट्रेवल ही नहीं करती, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके कंपेयर में थोड़ा कम ठोस है, क्योंकि हमने बताया था कि भाई जो आपका मीडियम होगा ठोस में रफ्तार सबसे ज्यादा होगी, तो हम ये कह सकते हैं जो दूसरा स्फीयर है ये हमें मिला सेमी लिक्विड स्ट्रक्चर, ये क्या है, या सेमी सॉलिड कह लीजिए, दूसरा लेयर जो हमें मिला जो हमारी पृथ्वी का वो कहलाया सेमी सॉलिड, या सेमी लिक्विड भी इसको हम कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, सेमी लिक्विड, अर्ध ठोस
या फिर अर्ध द्रव्य भी हम इसको कह सकते हैं। और इस लेयर को भैया हम लोगों ने नाम क्या दिया, एस्थेनोस्फीयर। ये लेयर हमारा क्या कहलाया, ध्यान रखिएगा आगे काम सब देने वाला है आप लोगों को, एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर बेसिकली कौन सा लेयर है, तो हमारे पृथ्वी का दूसरा लेयर है जो कि एक जेली टाइप स्ट्रक्चर में है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो एक जेली टाइप का स्ट्रक्चर है, जेली की तरह, जेली नुमा, या जिसको हम कह सकते हैं जेली टाइप स्ट्रक्चर, ये दूसरा लेयर हमारा कहलाया। तो हमें हम हमारी पृथ्वी के ऊपर से जो राज है, ये सब राज हमारे पृथ्वी का इंटीरियर का धीरे धीरे खुल रहा है। पहला राज हमें ये पता चला कि हमारे पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो ठोस का बना हुआ है, क्योंकि यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स दोनों की रफ्तार जो है तेज हो गई। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं, तो हमने देखा कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स की रफ्तार कम हो गई, यानी कि ये जो हमारा लेयर है ये एस्थेनोस्फीयर है, और एस्थेनोस्फीयर जो है सेमी लिक्विड का बना हुआ है। एंड देन उसके बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उसकी तरफ। अब उसके बाद अगला लेयर आया, इस लेयर में क्या हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स के बारे में, आइए जरा समझते हैं। अब इसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स कुछ दूर ट्रेवल करने के बाद हम देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स दोनों की रफ्तार जो यहां कम हुई थी, अब दोनों की रफ्तार तेज हो गई। दोनों की रफ्तार अब क्या हो गई, दोनों की रफ्तार जो हमने देखा था यहां पे कम हुई थी, अब दोनों की रफ्तार क्या हो गई, वापस से गति पकड़ लिया दोनों की रफ्तार में। मतलब मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि यहां पे अब क्या हो गया कि प्राइमरी वेव्स जो है ये भी तेज हो गई और सेकेंडरी वेव्स जो है ये भी तेज हो गई। तो मतलब मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा लेयर है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि अब देखिए दोनों की रफ्तार तेज हो गई, मतलब ये क्या है, ये ठोस है, सॉलिड है, ठीक है। और इस लेयर को हम लोगों ने नाम दिया आउटर मेंटल, ये हमारा क्या कहलाया, आउटर मेंटल, या जिसको हम कह सकते हैं बाहरी मेंटल। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं, देन उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले लेयर की तरफ। फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि अगला लेयर क्या होता है, तो अगले लेयर में हम देखते हैं कुछ दूर जाने के बाद वापस से प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स जो है इसकी रफ्तार इस दोनों से भी तेज हो गई, मतलब कि अब जो रफ्तार है और तेज हो गई। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स की बात हम करते हैं तो पिछले लेयर के कंपेयर में, इस लेयर के कंपेयर में, यानी कि बाहरी मेंटल के कंपेयर में हम देख सकते हैं कि रफ्तार जो है अब यहां पे क्या हो गई, अब बाहरी मेंटल के कंपेयर में हम कह सकते हैं कि यहां पे रफ्तार और तेज हो गई। तो यानी कि अब हम यहां पे देखेंगे कि बाहरी लेयर के कंपेयर में यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स की रफ्तार जो है, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स की रफ्तार जो है और तेज हो गई। और इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, ये लेयर हमारा कहलाया इनर मेंटल, ये हमारा कहलाया इनर मेंटल, यानी कि आंतरिक मेंटल, ये हमारा क्या कहलाया इनर मेंटल कहलाया। और इनर मेंटल में हम देखते हैं कि लगभग लगभग दोनों की रफ्तार जो है क्या हो गई, तेज हो गई, ठीक है। पढ़ा था ये टॉपिक यूट्यूब पर, लेकिन बहुत बड़ा था, लेकिन पहली बार समझ में आया, तो अच्छी बात है ना, पेड क्लास लेने में तो फायदा ही है। तो ये क्या हो गया बेसिकली, यहां पे दोनों की रफ्तार क्या हो गई, तो यहां पे दोनों की रफ्तार फिर से तेज हो गई। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स दोनों की रफ्तार फिर से तेज हो गई, मतलब कि ये क्या है, ये भी सॉलिड है और इसके कंपेयर में ये ज्यादा सॉलिड, समझिएगा ध्यान से, रफ्तार तेज होना मतलब कि वो ज्यादा सॉलिड होना, ध्यान रखिएगा, रफ्तार तेज होना, ठीक है, रफ्तार तेज होना मतलब क्यों ज्यादा सॉलिड होना। पहला लेयर बता तो दिए, ये आपका लिथोस्फेयर स्थल मंडल कहलाया, फिर ये कहलाया आपका स्थेनोस्फेयर, फिर ये कहलाया आपका आउटर मेंटल, ये कहलाया आपका इनर मेंटल, आंतरिक मेंटल। देखिए सबको लेवल भी करते जा रहे हैं। तो यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की रफ्तार तेज हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो है पहले वाले के कंपेयर में ज्यादा सॉलिड है, ज्यादा ठोस है। अब आइए अब अगला लेयर में क्या होगा, अब इसके बाद क्या होता है, देखिए दोस्त, अब इसके बाद वापस से आता है अपना अगला लेयर। अब इस लेयर में क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा, इस लेयर में ये तकरीबन 2900 किलोमीटर के बाद का लेयर है, जिसकी बात हम कह रहे हैं, जहां सेकेंडरी वेव्स ट्रेवल नहीं करती है। ये लगभग लगभग यहां तक आते आते हम लोग पहुंच चुके होते हैं 2900 किलोमीटर डेप्थ तक, और ये लगभग लगभग अगर देखा जाए तो यहां पे 2900 किलोमीटर का डेप्थ आ चुका होता है,
2900 किलोमीटर का डेप्थ, और लगभग लगभग यहां पे हम देखेंगे कि प्राइमरी वेव्स की जो रफ्तार है यानी कि अगर हम बात करें कि प्राइमरी वेव्स जो है इसकी रफ्तार की बात करते हैं तो इसकी रफ्तार कम हो जाती है और सेकेंडरी वेव जो है इसमें ट्रेवल ही नहीं करेगी। क्यों क्यों नहीं सेकेंडरी वेव्स ट्रेवल करेगी? क्योंकि यह लेयर जो है लिक्विड का बना हुआ है, इसीलिए सेकेंडरी वेव्स ट्रेवल नहीं कर रही है। और इस लेयर को दोस्तों हम लोगों ने नाम दिया आउटर कोर। यह लेयर हमारा क्या कहलाया? यह हमारा कहलाया आउटर कोर, आउटर कोर यानी कि जिसको हम कह सकते हैं बाहरी केंद्र। और यह हमारा क्या चीज से बना है? तो यहां सेकेंडरी वेव ट्रेवल नहीं किया, प्राइमरी वेव्स की गति कम हो गई, मतलब कि यह क्या चीज से बना है दोस्त? यह बना हुआ है लिक्विड से, यानी कि द्रव्य से यह बना हुआ है। यह क्या चीज से बना हुआ है? तो द्रव्य से बना हुआ है। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा आखिरी लेयर आता है, और इस आखिरी लेयर तक तो सेकेंडरी वेव्स तो पहुंच ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं पहुंच पाएगी आखिरी लेयर तक? क्योंकि सेकेंडरी वेव जो है हमारी पृथ्वी के जो आउटर कोर है यहीं तक पहुंच पाती है, इसके बाद तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी क्योंकि यह क्या है? लिक्विड का बना हुआ है। लेकिन जो हमारा आखिरी लेयर है यहां पे एक जबरदस्त ऑब्जर्वेशन हमें नजर आता है, और ये ऑब्जर्वेशन सबको हिला के रख देता है। और ये ऑब्जर्वेशन ये होता है कि यहां पे हम देखते हैं कि प्राइमरी वेव्स जो है, क्योंकि प्राइमरी वेव्स यहां तक पहुंच पाती है, प्राइमरी वेव्स की जो रफ्तार होती है वो अभी तक के सबसे ज्यादा स्पीड में पहुंच जाता है प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स जो है, ठीक है, प्राइमरी वेव्स की बात अगर हम लोग करते हैं कि प्राइमरी वेव्स की जो रफ्तार है ये सबसे ज्यादा आपके यहां पे पहुंच जाती है। तो ये जो प्राइमरी वेव्स है यहां पे इसकी रफ्तार जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, या जिसको हम कह सकते हैं सबसे तेज गति हो जाती है। और ये सबसे तेज गति होती है, और इसीलिए ये पता चलता है कि ये सुपर सॉलिड का बना हुआ है। ये जो हमारा आखिरी लेयर है ये क्या चीज का बना हुआ है? सुपर सॉलिड। ये हमारा क्या चीज का बना हुआ है? सुपर सॉलिड यानी कि अत्यधिक ठोस, जिसको हम कह सकते हैं अत्यधिक ठोस। और इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? तो ये लेयर हमारा कहलाया इनर कोर। ये लेयर हमारा क्या कहलाया? इनर कोर, इनर कोर यानी कि आंतरिक केंद्र। ये बाहरी केंद्र है, ये हमारा क्या कहलाया? आंतरिक केंद्र कहलाया, जो कि हमारा क्या चीज से बना हुआ है? सुपर सॉलिड से बना हुआ है, तभी तो सबसे ज्यादा रफ्तार आपको यहां पर नजर आ रही है। सर मेंटल में तो मैग्मा होता है ना सर, तभी ये क्यों? मेंटल में मैग्मा क्यों होता है आपको आगे पता चलेगा। ऐसा नहीं कि बस मन किया चलो आज मैग्मा करने का, आज चलो मैग्मा मैग्मा खेलते हैं तो मेंटल में चलो मैग्मा डाल दिया। मैग्मा ऐसे नहीं होता है कि भाई चलो मेंटल में आज मैग्मा मैग्मा डाल दिए तो मैग्मा मैग्मा खेलते, नहीं। मैग्मा होने का अपना कारण है। मैग्मा क्या है? पिघला हुआ पत्थर है। पिघला हुआ पत्थर क्यों होगा? क्यों ज्वालामुखी में पिघला हुआ पत्थर होता है? उसका अपना लॉजिक है, लेकिन लेयर जो है आपका ठोस ही बना हुआ है। अब वो कैसे पिघलता है, क्या पिघलने का कारण है, वो धीरे धीरे जब आप इस चैप्टर को पढ़ेगा तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ज्वालामुखी में जो मैग्मा होता है जो बाहर आ निकलता है तो लावा कहलाता है, वो क्यों पिघलता है, और पिघलने के बाद क्या उसकी खास बात है, समुद्र के अंदर के लावा में क्या फर्क होता है जो हमारे धरती पे लावा मौजूद होते हैं। ठीक है, भूकंप आगे पता चलेगा भैया, भूकंप भूकंप सब पता चलेगा, भूकंप कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, भूकंप के पीछे का क्या लॉजिक है, सब्र तो रखिए। ये तो हम तो सिंपल सा बोले कि पूरा का पूरा आपको एक एक कॉन्सेप्ट पूरा बारीकी से बता देंगे। जैसे ये टॉपिक आप लोग कई बार पढ़े होंगे, कई बार आप लोग पढ़े होंगे किताब से, यूट्यूब से, तरह तरह की जगह से, लेकिन हम आप लोग में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये टॉपिक पहली बार समझ में आया, बताइए, या अभी भी नहीं समझ में आया तो भी बता दीजिए। और इसका डायग्राम फटाफट बनाइए, तो जरा फटाफट सब लोग इसका डायग्राम बनाइए, हम साइड हट रहे हैं, दो मिनट में आ रहे हैं, फटाफट सब लोग इसका डायग्राम बनाइएगा सारे के सारे लोग।
आगे समझ में सारे के सारे लोगों को बताइएगा, समझे पहली बार है आया तो नीचे ठोस होता है, बिल्कुल सही बात है। अब एक बार इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग दोबारा से देखते हैं, जो चीज हम लोगों ने बनाई है उसको जरा एक बार हम लोग दोबारा से सारे के सारे लोग ऑब्जर्व करते हैं। ऑल राइट, एक सेकेंड फ्रेम में रहे, वो देखिएगा। आइए जरा हम लोग ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहां पर कि भाई कैसे अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स को प्रोपगेट करा रहे हैं, तो यहां पे हमने अभी जस्ट बना करके देखा आपके सामने, मैंने इसको बनाया है कि जो प्राइमरी वेव्स है इसकी और सेकेंडरी वेव्स दोनों की रफ्तार बढ़ रही है। मतलब ये क्या चीज का है, सॉलिड का ठोस का बना हुआ है। वहीं अगर हम आते हैं कि यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स की रफ्तार कम हो रही है, मतलब ये सेमी लिक्विड, और हमने प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स दोनों के बारे में, इन सारे फीचर्स के बारे में यहां पे अभी देखा कि प्राइमरी वेव्स में कैसे हो रही है चीजें, और इसके अलावा हमने देखा कि सेकेंडरी वेव्स में क्या हो, सेकेंडरी वेव्स प्राइमरी वेव्स की क्या विशेषताएं हैं, और इनका हमने यहां पे ऑब्जर्वेशन किया। और हम पाते हैं कि हमारे पृथ्वी के लेयर्स जो परतदार संरचना है किन-किन चीजों से बने, जैसे कि अगर देखा जाए सबसे ज्यादा ठोस अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलेगा इनर कोर, जो कि सबसे ज्यादा ठोस है क्योंकि यहां पे प्राइमरी वेव्स की रफ्तार जो है सबसे तेजी से आपको प्रोपेगेट हो रही है। साथ ही साथ ये वाला जो हमारा आउटर कोर है, यहां से हमें एक ऑब्जर्वेशन मिला कि यहां पे जो सेकेंडरी वेव्स है ये ट्रेवल नहीं कर पा रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यह आपके लिक्विड का बना हुआ है और यहां पे प्राइमरी वेव्स की रफ्तार कम हो रही है। तो हमने इन सारे पहलुओं को जाना, समझा और बुझा। ऑलराइट, क्लियर है सबको सारी चीजें यहां तक, बताइएगा। सर वैभव श्रीवास्तव सर के स्टूडेंट है जो फिलहाल में एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, सर का तो जवाब ही नहीं है। बहुत बढ़िया, चलिए तो यहां तक क्लियर हो गई सबको सारी चीजें। अब आइए हम लोग बात करते हैं प्राइमरी वेव्स सेकेंडरी वेव्स, इन सारे पहलुओं को हम लोगों ने जान लिया, समझ लिया, बुझ लिया। तो यहां तक किसी को कोई चीज समझने में दिक्कत, कोई समस्या है तो बताइएगा। इज इट क्लियर नाउ सारे के सारे लोगों को? बताइएगा किसी को दिक्कत है, समस्या है? बताइएगा, क्लियर है सब लोगों को? हुआ या नहीं क्लियर? सब लोग बताइएगा भाई, सारे के सारे लोग समझ में आ गया ना? समझ पहली बार आया तो नीचे ठोस होता है सर, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ा जाए आप, चलो कुछ बोलते ही नहीं है, गजब है भाई, थोड़ा जोश दिखाइए। मानते हैं कि भैया पेपर आप लोग का अगले साल है, 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जोश नहीं दिखाइएगा तो मजा कैसे आएगा? थोड़ा जोश दिखाइए, एकदम हाइप रखिए, जोश को पूरा एकदम हाई रखिए सारे के सारे लोग भाई, इतना सूस टाइप रहिएगा क्लास में तो काम चलेगा, थोड़ा आप एकदम हाई रखिए भाई। हाँ आया समझ में सर, नहीं आया तो पूछे कि सर नहीं आया समझ में, खुल के बोलिए भाई, ऐसे रहिएगा लूज लूज एकदम तो काम थोड़ी चलेगा भाई, थोड़ा सा एकदम जोश में एकदम रहिए भाई सारे के सारे लोग। ऐसे आप एकदम लूज टाइप रहते हैं ना तो एकदम पूरा अजीब लगने लगता है, फिर लगता है पता नहीं क्या है यार,
फिर लगता है कि कैसा बैच इस बार मिला है, ये सब सोचने लगते हैं हम दिमाग में, ठीक है। हाँ आगे बढ़िए। हाँ तो थोड़ा बोलते रहिए ना, चहल पहल एकदम कमेंट में रहना चाहिए ना, रहता है चहल पहल तो हमको भी लगता है कि हाँ ठीक है बढ़िया है, पढ़ा रहे हैं अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, एकदम सुस्त हो जाते हैं कि हाँ ठीक है कोई जवाब दे देगा तो कोई हो जाए, इतना सुस्त मत होइए यार। चलिए, एक तो ऐसी ज्योग्राफी हमारा सब्जेक्ट जो है बड़ा एकदम कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, एकदम बिल्कुल गंभीरता वाला सब्जेक्ट है, ऊपर से आप लोग ऐसे सुस्त हो जाएगा तो पूरा एकदम काम चलेगा। आइए, जब हम यहां से ऑब्जर्व क्या क्या कर लिए, तब हम ऑब्जर्व हम यहां से पृथ्वी के सारे कंपोजिशन को कर लिए। यहां से मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, मेंस में यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि आपके कि भाई किस प्रकार से ये सारे की सारी चीजें हो रही है, इसको आपको मेंस में एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तब हमको उम्मीद है कि आप मेंस में भी आपके पास इतना मटेरियल हो चुका है कि इस मटेरियल का आप इस्तेमाल करके मेंस में शॉर्ट नोट्स में आता है, शॉर्ट नोट्स में, मेजर नोट्स में नहीं आएगा, शॉर्ट नोट्स में आंसर आएगा, इसको आप सब लोग लिख सकते हैं। ऑलराइट, आइए अब आइए हम लोग बात करते हैं, इसको आप लोग को नोट डाउन करना है, कंपोजिशन ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहां से आता है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना। अगर हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना, अगर हम लोग बात करते हैं हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना, तो हम यहां पे कुछ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि समग्र रूप से पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी की बात अगर हम करते हैं तो एक तरफ मैंने लिस्ट बनाया है पृथ्वी एज अ होल, यानी कि पूरी पृथ्वी को मिला करके, और दूसरी तरफ लिस्ट है पृथ्वी की भूपट्टी। तो हमने हम ऑब्जर्व किया कि हमारी पूरी पृथ्वी पे, यहां से क्वेश्चन कई बार बीपीएससी पूछ रखा है कि पूरी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा एबुंडेंस एलिमेंट, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी चीज है जो मिलती है, तो आयरन, याद रखिएगा लोहा 35%, और पृथ्वी के क्रस्ट पे यानी कि पृथ्वी के भूपट्टी पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है, तो ऑक्सीजन 47%। इस लिस्ट को आप लोग लिख लीजिए कि पृथ्वी पर एज अ होल, यानी कि पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा आयरन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पे सिलिकॉन। अब पृथ्वी के सतह पर पहले नंबर पे ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम और चौथे नंबर पे आयरन। तो ये क्या है, ये पृथ्वी का एज अ होल, यानी कि पूरे पृथ्वी की बात हम कर रहे हैं, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम पृथ्वी के सतह की बात कर रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं हमारे पृथ्वी के लिथोस्फीयर की, यानी कि कॉन्टिनेंट और महासागर जो है, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा स्थल मंडल है, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, तो इस चीज को ध्यान पर रखना, एक साल में बिल्कुल हो जाएगा आराम, एक साल तो बहुत है, उससे पहले ही हो जाएगा, तो इस चीज को सब लोग समझ गए। तो ध्यान रखिएगा हमारे पृथ्वी एज अ होल की बात करते हैं, अभी शुरुआत में थोड़ा सा आपको समय लग रहा है क्योंकि भाई शुरुआती दौर है, एक बार कॉन्सेप्ट सब समझिएगा ना, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट सबको अगर आप समझिएगा तब आप के सामने ऐसा लगेगा आपको कि ज्योग्राफी जो है वो एकदम बिल्कुल धुआंधार चल रहा है। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूला को समझते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और उसके बाद चीजों को आप आसानी से समझने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से ज्योग्राफी में आप सभी लोगों को एक कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे एक कॉन्सेप्ट आप यहां समझ गए, अब ऐसे करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, अब देखिएगा उसके बाद आपको जैसे ही कॉन्सेप्ट सब आपके दिमाग में जब क्लियर होते रहेगा तब एकदम मक्खन की तरह आपको चीजें समझ में आने लगेगी, एकदम मक्खन की तरह लगेगा कि यार ज्योग्राफी से आसान सब्जेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये चीज आप लोग सब लोग लिख लीजिए, या फिर आपके पीडीएफ में, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप सब लोग लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है। आइए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, अब अगला हेडिंग डालिएगा, अगला जो इंपॉर्टेंट हमारा हेडिंग है वो अगला इंपॉर्टेंट हेडिंग है हमारा, रॉक इन द क्रस्ट, यानी कि हमारे भूपट्टी पे चट्टान, हम हमारे भूपट्टी के चट्टानों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हमारे भूपट्टी पे चट्टान, यानी कि हेडिंग सिर्फ डालिएगा रॉक्स इन द क्रस्ट, यानी कि भूपट्टी में चट्टान। तो कुल मिला जुला करके अगर देखा जाए तो हमारे जो भूपट्टी है, यानी कि जो हमारा क्रस्ट है, ठीक है, मगर पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे, अगर देखा जाए तो हमारे पृथ्वी की सतह पर जो हमारा भूपट्टी है, जो हमारा क्रस्ट है, उस क्रस्ट पर तीन आपके रॉक्स नजर आते हैं, तीन रॉक्स आपको नजर आते हैं, ठीक है, जो मोस्टली देखा जाए। अब ये तीन रॉक्स कौन कौन से हैं, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। पहले आपको हम थोड़ा सा देसी तरीके से समझाते हैं, फिर आपको चीजें स्वतः समझ में आ जाएगा। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंटर हम आपको लिखा देंगे, उसके बाद इसको लिखिएगा समझिएगा, पहले समझने की कोशिश कीजिए।
जो जो चीज मैं बताऊंगा सिर्फ उसी पे फोकस करना है कि आखिर हमारे पृथ्वी पे जो चट्टान है वो चट्टान तीन प्रकार के होते हैं। पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए कि भाई चट्टान जो हमारी पृथ्वी पे तीन प्रकार के, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, जिसको इग्नेशियस रॉक कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं और मेटामॉर्फस रॉक कहते हैं। इस तीनों को लिख लीजिए, फिर उसके बाद आपको हम एक्सप्लेन करते हैं कि सारे के सारे रॉक्स कैसे बनते हैं, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, और इन रॉक्स के लॉजिक को आप जब समझ जाएगा तो एक एक करके सारे चट्टानों के फीचर्स के बारे में हम आपको नोट डाउन करवा देंगे। ठीक है, लिख लिए सब लोग। अब आइए, अब सबसे पहले आखिर हम लोग बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी के सतह पर, यानी कि हमारे पृथ्वी के क्रस्ट पर, भूपट्टी पर चट्टाने आती कहां सर है। तो आइए जरा समझते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा दोस्तों कि लेट अस सपोज, मान के चलिए ये क्या है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये है हमारा ज्वालामुखी। ध्यान समझिएगा, एक एक चट्टान को एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या है, हमारा ज्वालामुखी है। ठीक, अब ज्वालामुखी के अंदर क्या होता है, तो ज्वालामुखी के अंदर होता है मैग्मा। आपने सबने देखा होगा, अब मैग्मा कैसे बनता है आगे आपको पता चलेगा, बट अभी के लिए समझिए कि ज्वालामुखी के अंदर बेसिक चीज की बात करते हैं, होता है मैग्मा। ज्वालामुखी के अंदर क्या होता है, मैग्मा। अब मैग्मा क्या होता है, एकदम देसी भाषा में समझिए, मैग्मा क्या होता है, तो मैग्मा होता है पिघला हुआ पत्थर, जिसको हम क्या कहते हैं, मोल्टेन रॉक। तो मैग्मा क्या होता है दोस्त, तो मैग्मा होता है पिघला हुआ पत्थर। तो याद रखिएगा, मैग्मा क्या होता है, तो मैग्मा होता है पिघला हुआ पत्थर। याद रखना है, तो मैग्मा क्या होता है, पिघला हुआ पत्थर होता है, और ये मैग्मा अंदर है। ध्यान रखिएगा, यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ज्वालामुखी के अंदर क्या है, मैग्मा है, और मैग्मा क्या होता है, पिघला हुआ पत्थर होता है। ध्यान रखिएगा, अब यही मैग्मा जो है ये ज्वालामुखी के बाहर आ गया, ज्वालामुखी के बाहर यही पिघला वो पत्थर आ जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट जिसको हम कहते हैं, जिसको हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। तो यही पिघला हुआ पत्थर जब सतह पर आता है, ध्यान रखिएगा, यही पिघला हुआ पत्थर जब सतह पर आता है तो इसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं, तब यही हमारा कहला जाता है लावा। यही हमारा क्या कहलाता है, लावा। लावा और मैग्मा में केमिकली कोई डिफरेंस नहीं है, लावा और मैग्मा में रासायनिक रूप से कोई खास अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि अगर ज्वालामुखी के अंदर जो पिघला हुआ पत्थर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई लोग, उसको हम कहेंगे मैग्मा, और यही मैग्मा जब ज्वालामुखी के बाहर आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे लावा। समझे, यही मैग्मा जब ज्वालामुखी के अंदर रहेगा तो कहलाएगा मैग्मा, वही पिघला हुआ पत्थर जब ज्वालामुखी के अंदर रहेगा तो कहलाएगा मैग्मा, और वही पिघला हुआ पत्थर जब ज्वालामुखी के बाहर आ जाएगा तो वो कहलाएगा लावा। यहां तक किसी को कोई समझने में दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए, पहले एक चीज हमको बताइए, आप लोग बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में रहते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में, इतना अपने आप को जिंदगी ने, हमको लगता है आप लोग पूरा एकदम सताए हुए हैं जिंदगी से, इतना आप लोग को जिंदगी ने सताया है कि आपको खुद पे संदेह होने लगता है, अरे भैया आप लोग वो हनुमान हो ना जिसको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, जिसको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। हमको समझ गए आप लोग सब, इस बैच में जितने भी बच्चे हैं मोस्टली लोग को जिंदगी बहुत सताया हुआ है, इतना हम समझ चुके हैं। सच सही बात है कि नहीं बताइए, सही बात है कि नहीं, जिंदगी में लगता है आप लोग बहुत सताए हुए हैं। अब सुनिए ध्यान से, एक मिनट लेंगे बस हार्डली टॉपिक के विपरीत। आप लोग भाई वो हनुमान है ना जिसको उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं है, सच्चाई बता रहे हैं, जिसको उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। प्रूफ देखिएगा, हवाबाजी नहीं, हम ऐसे ही बोलेगा सर ऐसे ही आ जाते हैं सुबह मोटिवेट कर दिए, लेकिन हम शायद हो सकता है हम वो हनुमान ना हो, शायद हो सकता है हमारे पास कोई ताकत ही ना हो, ये सब आपके मन में आ सकता है। तो आपको लग रहा हो सर ऐसी हवाबाजी दे रहे हैं, लग सकता है, इट मे बी कि सर ऐसे ही बोल रहे होंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा हमारे अंदर, कुछ ऐसा ताकत होगा ही नहीं, सर ऐसे ही बोल रहे होंगे, राइट। तो आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से आपको हम प्रूफ करके गलत दिखाएंगे। ये बताइए, ये जो है रॉक इन क्रस्ट, यानी कि अगर देखा जाए सिर्फ इसी, अब हम हमारे टॉपिक से एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम इधर उधर का एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, अलाय बलाय चलाय बात सब करेंगे ही नहीं, बिल्कुल इस टॉपिक के भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, इस टॉपिक के आधार पर एक प्रयोग करते हैं।
और आपको हम आप लोग बिल्कुल ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपके अंदर वो ताकत है, इसका हम आपको अभी ज्ञात कराते हैं। जैसा हनुमान जी को ज्ञात कराए थे ना कि भैया आपके अंदर वो ताकत है, एहसास इसको कराया गया था ना, तब हनुमान जी को लगा अच्छा मेरे अंदर ताकत है, तब हनुमान जी विकराल रूप लेते हैं और लंका की तरफ चल पड़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आपको अभी ताकत का अंदाजा कराते हैं, आप ही के ताकत का आपके सामने। ये टॉपिक जो है इस टॉपिक के मार्फत ही, या कोई भी टॉपिक, अभी हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए टॉपिक को लेते हैं, रॉक्स इन क्रस्ट, इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ये टॉपिक किसको 100% आता है, एकदम बिल्कुल एकदम पूरा तगड़ा है कि कैसे बनता है, क्या इसके फीचर्स हैं, कौन सी चट्टाने कहां बनेगी, ये चट्टानों के क्या फीचर्स हैं, कौन सी चट्टान सबसे पुरानी होगी, ये चट्टान कैसे बनती है, कहां से आती है, इसके बारे में 100% जानकारी किसके पास है? कोई है बच्चा, कोई बच्चा है इस क्लास में जिसको इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में 100% जानकारी हो? अगर नहीं है तो बोलिए सर नहीं है जानकारी, एक बार बोलिए है जानकारी 100% तो लिख करके बताइए, और नहीं है जानकारी 100% तो भी लिख करके बताइए। लिखिए जल्दी फटाफट सब लोग, पहले तो आपको हमको लगता है कि 15 दिन लगेगा आप लोग को थोड़ा सा ये लाने में, कि ट्रैक पे लाने में, कि इतना आप लोग सताए हुए जिंदगी में, कभी कभी मतलब कि घर वाले ने डांट दिया, कभी रिश्तेदारों ने ताना दे दिया, कभी मान के चलिए कि किसी ने कुछ बोल दिया, कभी कोई कहां से कुछ बोल दिया, कभी कहीं कुछ हो गया, कभी मैडम जी ने धोखा दे दिया, कभी सर जी ने धोखा दे दिया। ठीक है, एक पैराग्राफ में अब देखिएगा आपको आपकी ताकत का अंदाजा कैसे होगा, और कैसे हम लोग आपकी ताकत का अंदाजा करेंगे, और कैसे हम लोग एक आध प्रीवियस ईयर यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस छोटे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और आपके सामने लाएंगे हम यूपीएससी का क्वेश्चन, और आप ही लोग होंगे जो इस क्वेश्चन को क्लियर करके बताइएगा। ठीक है, देखिए कैसे, अब देखिए, अब ध्यान से पढ़िए, अगले 20 मिनट तक थोड़ा फोकस हो जाइए, अगले 20 मिनट तक थोड़ा फोकस हो जाइए, और देखिए आप कैसे यूपीएससी का क्वेश्चन को धड़ल्ले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, धड़ल्ले से आप सब लोग यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्क्रीन ब्लिंक कर रहा है, सर कहां चले गए आप, क्या हो गया, क्या हुआ, क्या कुछ दिक्कत आ रही है क्या, एक सेकेंड होल्ड ऑन। सही है, आवाज आ रही है, जब बाहर चले गए हमको लगा कि आप लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत हो गया, हम बाहर जाकर के स्टूडियो के पास पूछने लगे क्या दिक्कत है। अब सही है, अब सही है, ठीक है, चलिए क्या बता रहे थे। हाँ, तो अब आइए थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लगाएंगे, और उस क्वेश्चन को लगाने के बाद आप देखिएगा कि आपके अंदर का जो सेल्फ डाउट है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा सा अगला 20 मिनट थोड़ा फोकस हो जाइए, सिर्फ 20 मिनट फोकस होइए, या 20 मिनट आपके जीवन को बदल देगा, क्योंकि यह 20 मिनट के अंदर आपके अंदर का जो सेल्फ डाउट है वो सेल्फ डाउट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब आइए, अब मैं आपको बता रहा था एक टॉपिक छोटा सा कि हमारा ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा है, मैग्मा क्या होता है, तो एक पिघला हुआ पत्थर होता है, एक मोल्टेन रॉक होता है, और यही मैग्मा जब ज्वालामुखी के बाहर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लावा, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लावा। अब जैसे लेट अस सपोज मान के चलिए कि ये लावा है, ध्यान रखिएगा, लेट अस सपोज मान के चलिए ये लावा है, अब ये लावा बाहर आया
अब यहां अंदर है तो अंदर तो टेम्परेचर इस लावा का ज्यादा होगा, क्यों? अंदर ये जो टेम्परेचर है, इस लावा का जो टेम्परेचर जो है अंदर जो है ज्यादा होगा, ठीक है। लावा का क्या है, अंदर जो टेम्परेचर है ज्यादा होगा, लेकिन ये लावा बाहर आया तो इसका क्या हो गया, टेम्परेचर कम हो गया। समझिएगा ध्यान से, इस लावा का टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, यानी कि ये लावा ठंडा होगा। और कोई भी लिक्विड अगर ठंडा होगा तो क्या होगा बताइए, आप बर्फ को, आप पानी को फ्रिज में रखिए, क्या करते हैं, ठंडा करते हैं फ्रीजर में, तो फ्रीजर जो में पानी को जब आप रखते हैं एक टेम्परेचर के नीचे जाने के बाद वो पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है, 0 डिग्री से नीचे जाने के बाद होता है ना। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा चट्टान है, वो चट्टान जो अंदर पिघला हुआ है, वो चट्टान जब बाहर आएगा, वो चट्टान जब बाहर आएगा तो उस चट्टान के बाहर आने के बाद वो क्या होगा, ठंडा होगा, टेम्परेचर उसका क्या होगा, डिप करेगा, डाउन करेगा। तो डाउन करेगा तो ये लावा क्या होगा, सॉलिड होगा ठंडा होने के बाद। और जब ये लावा सॉलिड होगा ठंडा होने के बाद, और जो उससे चट्टान बनेगा, क्योंकि ये पिघला हुआ है, पिघला हुआ से वो सॉलिड हुआ ठंडा होने के बाद, और इससे क्या बना, इससे बना हमारा चट्टान। सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, पॉइंटर आपको लिखा देंगे। और ये जो आपका रॉक बना, जो किससे, लावा के ठंडा होने से, लावा के सॉलिड होने से बना, इसी चट्टान को हम कहते हैं इग्निशियस रॉक। यही चट्टान हमारा क्या कहलाता है, इग्निशियस रॉक, या इसी को हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आसान भाषा में समझिए कि जो पिघला हुआ पत्थर ज्वालामुखी के अंदर होता है, ये ज्वालामुखी के अंदर जो पिघला हुआ पत्थर बाहर आ रहा है, और बाहर आने के बाद ध्यान रखिएगा, बाहर आने के बाद क्या हो रहा है कि बाहर आने के बाद ये पिघला हुआ पत्थर जब ठंडा हो जा रहा है, तो इस ठंडा हो जाने के बाद जो चट्टान बन रही है उसको हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। अभी आग्नेय चट्टान हुआ नहीं है, अभी और इसके बारे में है, बट समझिए ध्यान से क्या होता है, इसको समझिएगा। अब आग्नेय चट्टान, अब फिर समझिए ध्यान से, आग्नेय चट्टान क्लियर हुआ, एक क्लियर हुआ एक चट्टान के भाई आग्नेय चट्टान कैसे बना। अब ध्यान से समझिए, अब यही आग्नेय चट्टान जो बाहर आ रहा है, या जैसे लेटर सपोज मान के चलिए कि यह ज्वालामुखी सतह पर नहीं आने के बजाय जमीन के अंदर ही दबा रह गया, और एक ऐसा पिघला हुआ पत्थर जो जमीन के अंदर ही दबा हुआ रह गया, समझिएगा ध्यान से, और उसके ऊपर जैसे ये सतह है, जैसे मान के चलिए ये आपका जो लावा है आप देख सकते हैं, और ये लावा क्या हुआ कि यहां पे एक लावा है, ये ठंडा हुआ एक समय के बाद, और ये ठंडा होने के बाद एक समय के बाद इसके ऊपर देखिएगा, ऊपर से मिट्टी का दबाव है, तापमान का दबाव होगा, प्रेशर होगा, समय। तो कभी कभी क्या होता है कि आग्नेय चट्टान दबाव, तापमान और समय, इन तीनों चीजों ने रोल अदा किया और यह अपना रूप बदल लेता है। तो कभी कभी क्या होता है कि यह जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान जो है, यह आग्नेय चट्टान या ये जो इग्निशियस रॉक है, यह बेसिकली क्या होता है कि हमारी पृथ्वी के इनसाइड रहता है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रहता है, और इस आंतरिक भाग में रहने के कारण इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तापमान पड़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण समय। तो इन तीनों चीज के रोल अदा होने के बाद यह अपना केमिकल कंपोजिशन बदल देता है, अपना क्या करता है, तो केमिकल कंपोजिशन जो है इसको बदल देता है, यानी कि रासायनिक जो प्रक्रिया इसको बदल देता है, यानी कि अपना रूप जो है बदल देता है। तो जब यह अपना रूप बदल देगा तब क्या कहलाएगा, कोई भी जब रूप अपना बदल देगा तब कहला जाता है वही चट्टान रूपांतरित चट्टान, या जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक प्राइमरी फॉर्म में नहीं होता है, मेटामॉर्फिक रॉक हमेशा सेकेंडरी फॉर्म में होगा, क्योंकि वह या तो अग्नेय चट्टान से बनेगा या तो वो सेडिमेंटरी रॉक से बनेगा। समझे ध्यान से, तो आग्नेय चट्टान जो दबा रह गया, जिसके ऊपर तापमान दबाव सब ने रोल अदा किया, एक समय के बाद वो अपना रूप बदल लेता है, और रूप बदलने के बाद वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेटामॉर्फिक रॉक या रूपांतरित चट्टान। अब तीसरे चट्टान को थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिए,
अब तीसरा चट्टान क्या है समझिएगा ध्यान से, आग्नेय चट्टान तक आप समझ गए, वापस से आते हैं हम आग्नेय चट्टान। जैसे लेट अस सपोज ये हमारा क्या है, तो एक आग्नेय चट्टान है, समझिएगा ध्यान से, ये हमारा क्या है, एक आग्नेय चट्टान है, एक इग्निशियस रॉक है जिसको हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। अब ये जो हमारा इग्निशियस रॉक है, अब यहां पे क्या हुआ, एक समय के बाद बारिश हुआ, बारिश हुआ, बारिश जिसको हम कहते हैं बाढ़ आई, पानी आया, बारिश हुआ, धूप, ठीक है, धूप, धूप जिसको हम कहते हैं सन रेज, मतलब या जिसको हम कह सकते हैं हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस, हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस, या जिसको हम कह सकते हैं पानी का बहाव, पानी का बहाव आया इसकी चट्टान के ऊपर, साथ ही साथ विंड, हवा ने अपना रोल अदा किया, धूप यानी कि सनलाइट, इन सब के कारण क्या हुआ कि ये जो आग्नेय चट्टान है ये एक समय के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगेगा। और ये टूटे टूटे क्या हुआ, जैसे मान के चले इसके ऊपर कभी हाइड्रोलॉजिकल यानी कि कभी अगर देखा जाए तो भाई आपके मोटा मोटी मान के चले कि कभी जो है आपके पानी का प्रकोप यहां पे हुआ, ठीक है, कभी कभी मोटा मोटी मान के चले कि पानी का प्रकोप हुआ, और फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि कभी कभी पानी का प्रकोप हुआ, कभी हवा का प्रकोप हुआ, कभी सूर्य का प्रकोप हुआ, तो एक समय के बाद क्या हो जाता है कि यह टूटने लगता है। कभी हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रो मतलब समझिएगा पानी, हाइड्रो जहां पे भी आए समझ लीजिएगा पानी, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगेगा, ये क्या होने लगेगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगेगा, ध्यान समझिएगा बिल्कुल देसी तरीके से, अभी ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगा, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगा, एक लेयर बना, पहला लेयर बना, एक समय के बाद टूटा, ये पहला लेयर बना, फिर एक समय के बाद फिर से टूटना शुरू हुआ और फिर से क्या हुआ, एक और लेयर बना, देख रहे हैं, फिर से टूटा और एक और लेयर बना, एक और परत यहां पे बना, फिर से टूटा, फिर से एक और परत यहां पे बना, तो इस प्रकार से परत दर परत जो है इसमें आपको मौजूद नजर आ जाता है, परत दर परत इसमें मौजूद नजर आ जाता है, और एक लेयर दर लेयर इसमें आपके कंकर आपके बन रहा है। अब हुआ क्या, इसी बीच में क्या हुआ कि एक साल के अंदर में कोई एक हाथी है, लेट अस सपोज मान के चले कोई पुराना एक हाथी है, वो हाथी क्या हुआ, हाथी मर गया यहां पर। अब हाथी मर गया तो इसके ऊपर लेटा हुआ है हाथी, अब इसके ऊपर क्या हुआ, वापस से परत डलना तो शुरू ही होगा, ये परत तो अपने डलते ही रहेगा, इसके बाद क्या हुआ कि इसके ऊपर परतदार संरचना होते रहा। जैसे कोई भी हाथी या कोई भी जो जानवर उस समय में है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से भरी हुई है, ऑर्गेनिज्म से घिरी हुई है, तो यहां पे कोई भी हाथी, कोई भी प्लांट, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है लिविंग क्रिएचर, वो लिविंग क्रिएचर यहां पे बीच में परत दर परत के कारण बीच में आ गया। और ये जो परत के कारण बीच में आ गया ना, इसी को तो हम लोग कहते हैं दोष जीवाश्म, इसी को तो हम कहते हैं जीवाश्म। इसमें जीवाश्म का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि अंदर से आ रहा है तो जल जाएगा जो भी जीवाश्म होगा। मेटामॉर्फिक में भी, रूपांतरण में भी जीवाश्म का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि वहां पे अपना रूप ही पूरा बदल दे रहा है, तो जीवाश्म का सिस्टम ही खत्म। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे अवसादी चट्टानों में, तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म के चांसेस सबसे ज्यादा है, और जीवाश्म जो है केवल और केवल अवसादी चट्टानों में ही नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर एक लेयर्ड हो रहा है, एक परतदार संरचना है, तो एक परतदार संरचना है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक परतदार संरचना है, तो इस कारण से क्या हो रहा है कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक में आपको जीवाश्म नजर आएगा, एक परतदार संरचना भी नजर आएगा, और एक समय के बाद ये जो आपका लेयर्ड है इसके ऊपर प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर भी पड़ेगा, टेम्परेचर भी पड़ेगा, और ये एक समय के बाद एक चट्टान बन जाएगी, एक कंकर जो है ये कॉम्पैक्ट होकर के एक चट्टान बन जाएगी, और ऐसी चट्टानों को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टान, क्योंकि ये सेडिमेंट से, ये जो आग्नेय चट्टान है, इस आग्नेय चट्टान के सेडिमेंट से, ठीक है, आग्नेय चट्टान के सेडिमेंट से फॉर्म हो रही है ये, इसीलिए इसको हम कहते हैं अवसादी चट्टान, या फिर इसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक में आपको फॉसिल्स भी नजर आएगा, परतदार संरचना भी नजर आएगा, कैसे बन रहा है, तो हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस से बन रहा है, साथ ही साथ या सेडिमेंट से बन रहा है। तो समझ गए सेडिमेंट्री रॉक, एक आइडिया हो गया, सिर्फ एक रफ आइडिया हुआ आपको तीनों चट्टान का।
आग्नेय चट्टान का, अवसादी चट्टान का और मेटामॉर्फिक रॉक का, इस तीनों का एक रफ आइडिया हो गया। आग्नेय चट्टान को हम पेरेंट रॉक भी कहते हैं क्योंकि वह सबसे पहले चट्टान वही है। आग्नेय चट्टान से अन्य चट्टानें बन रही है। आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी के बाहर आई आग्नेय चट्टान, उस आग्नेय चट्टान जो जमीन के नीचे दब गए उसके ऊपर तापमान दबाव ने अपना रोल अदा किया, वो कन्वर्ट हो गई, वो बदल गई रूपांतरित चट्टान में। जब वो रूप बदल रही है, जब उसका वेदरिंग हो रहा है, जब उसके ऊपर हवा पानी सूर्य सबके कारण छोटे छोटे कंकरों में टूट रही है, सेडिमेंट उसका हो रहा है और सेडिमेंट जमा इकट्ठा होते 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 एक नया चट्टान का रूप ले लेगा, तब वो कहलाएगा अवसादी चट्टान। क्लियर हुआ ये तीनों चट्टान? थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हुआ बताइएगा। तीनों चट्टान का थोड़ा बहुत भी आइडिया क्लियर हुआ बोलिए सब लोग। तीनों चट्टान का थोड़ा बहुत भी आइडिया क्लियर हुआ सब लोगों के? तीनों चट्टान में मेजर क्या डिफरेंस है, कैसे वो बनते हैं, सब लोग बताइएगा, सब लोग बताइएगा तीनों चट्टान में कैसे वो बनते हैं, इसका आइडिया क्लियर हुआ बताइएगा सारे के सारे लोग, बोलेगा सारे के सारे लोग। यस सर, यस सर। यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाएं आप लोग का, बोलिए। आप लोग बोलेगा है सर थोड़ा सा पढ़ा दिया, यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करवाइएगा, क्या समझ लिए हम लोग को, ये तो दुनिया ऐसे ही मजाक लगता है, दुनिया ऐसे ही सताता है, आप भी सता रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हम लोग से यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व होगा ऐसा मन में ख्याल आ रहा है क्या? थोड़ा सा बता दिया बोलेगा यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए एक करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, नहीं होगा तो हम है ही ना आपके लिए, और बाकी आपको हम बोल ही दिए हैं कि भाई आप लोग के साथ हैं, आप लोग वो हनुमान है जिसको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैंने अभी इस टॉपिक को सिर्फ ओवरव्यू दिया है आप लोग को। चलिए एक यूपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हुआ तो फिर से पढ़ा देंगे। आइए यूपीएससी प्रीलिम्स 2009 का क्वेश्चन है, यह यूपीएससी प्रीलिम्स 2009 का क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन को पढ़िएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स। यूपीएससी 2009 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर, हाँ जा रहा है कमेंट जी, निम्नलिखित जा रहा है यशवंत सिंह जी, क्वेश्चन को पढ़िएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक, तलछटी चट्टानों के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान या तलछटी चट्टान, पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स आर, क्वेश्चन को इतना बड़ा क्वेश्चन देखे घबराइए मत, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म एट द अर्थ सरफेस बाय हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस। तलछटी चट्टान पृथ्वी के सतह पर जल विज्ञान प्रणाली द्वारा निर्मित होती है, हाइड्रोलॉजिकल जल। पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है गलत है, आप लोग जो बोलेगा वही है। हमने क्या बताया था, सेडिमेंट्री चट्टान कैसे बन रही है, आग्नेय चट्टान से, कैसे, हवा पानी सनलाइट। तो हवा तो है, हवा मतलब पानी भी है, तो पानी वाला स्टेटमेंट हमारा ये सही हुआ। आप लोग बता रहे बहुत बढ़िया, आप लोग बोले सर पहला स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इन्वॉल्व द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। तलछटी चट्टान कैसे बन रही है, जो पहले से चट्टान है, जो मौजूदा चट्टान है, उनका अपक्षय हो रहा है, उनका वेदरिंग हो रहा है। वेदरिंग मतलब क्या हो रहा है, वही हवा पानी और जो हवा पानी और जो धूप है उसके कारण वेदरिंग हो रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, आप ही लोग बता रहे हैं सर दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट, सेडिमेंट्री रॉक कंटेन्स फॉसिल्स, तलछटी चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। बताइए जीवाश्म तलछटी चट्टानों में होंगे या नहीं होंगे, जीवाश्म तलछटी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में होंगे या नहीं होंगे, यह भी सही है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है जीवाश्म होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यह लेयर्ड में होते हैं। और चौथा स्टेटमेंट भी हमारा यही कह रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स अकर इन लेयर, तलछटी चट्टानों में परतों में पाई जाती है। बिल्कुल हां पाई जाती है परतों में, और 100% यह परतों में पाई जाती है। तो फिर क्या हो जाएगा भैया, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सारे के सारे लोग इसका सही उत्तर दे रहे हैं डी हो जाएगा। ज्ञात हुआ आप सभी लोगों को, आप बोलेगा सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, अरे भाई यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन कोई भी होता है ना, हलवा क्वेश्चन नहीं होता यूपीएससी का, ये यूपीएससी का, बीपीएससी छोड़िए यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई। अब यूपीएससी का क्वेश्चन आप लोग सब सॉल्व कर पा रहे हैं तो कोई हल्की बात तो है नहीं, क्या कहते हैं, क्या बोलती पब्लिक बताइए।
हल्की बात तो है नहीं भाई। तो आप लोग जो इतना सताए हुए हैं इस दुनिया से, हमने आपको क्या बोला कि भाई थोड़ा 15-20 मिनट फोकस कीजिए और देखिए आप यूपीएससी लेवल का कंटेंट आपके पास तैयार है। तो अपने ऊपर कभी भी सेल्फ डाउट नहीं करना है। ये मैंने क्वेश्चन कायदे से देखिए, बात का क्वेश्चन है, मैंने इसको बाद के लिए रखा था, ये सब मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं। मेटामॉर्फिक रॉक का एक्सप्लेनेशन, सेडिमेंटरी रॉक, इग्नीशियस रॉक, रॉक साइकिल, ये सब पढ़ाया ही नहीं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आ गए ताकि आपको बताने के लिए कि आपके अंदर जो सेल्फ डाउट है आप सबके अंदर, वो सेल्फ डाउट ना रहे। हां बिल्कुल डी है इसका, वो सेल्फ डाउट आप सबके अंदर ना रहे। ठीक है सर जी, विज्ञान ये नहीं समझ में आया। अरे भाई वही जल 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 विज्ञान मतलब हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस, हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि पानी के कारण सेडिमेंट बन रहा है, पानी के कारण। मैंने आपको यहां पे बताया है ना अभी कि देखिए ना यहां पे आपको हम क्या बताए थे, यहां देखिए अभी जस्ट आपको हम बताए हैं कि देखिए हाइड्रोलॉजिकल, देखिए हाइड्रोलॉजिकल पानी का बहाव, हाइड्रोलॉजिकल बताया तो देखिए शब्द भी लिखे थे, हाइड्रोलॉजिकल विंड सनलाइट ये सब शब्द भी यहां पे हम लिखे थे। समझे मेरी बात को, समझे भाई लोग जितने भी हैं। तो भाई अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, समझे, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना है कि आपसे हो सकता है, आपसे नहीं होगा तो किससे होगा यार। इतनी मेहनत करके आपको हम पढ़ाते हैं, सुबह सुबह अपनी नींद खराब करते हैं, आपके सामने आते हैं, तैयार होते हैं, सारा काम सुबह में इंसान को पढ़ाना ही थोड़ी काम, बहुत सारा कार्य होता है। तो सुबह क्लास करने का मतलब, अगर 7:30 बजे से क्लास आपकी हो रही है, इसका मतलब यह समझ लीजिए कि मैं उठता हूँ, ऑब्वियस सी बात है 2-3 घंटे पहले तो उठता ही हूँ, तभी तो सुबह में अपना सारा काम करके नहा धो करके पूजा पाठ करके आपके सामने आता हूँ। और आप लोग भी सुबह सुबह ऐसे तो नहीं बैठ जाते होंगे, चलो चलो क्लास करने बैठते हैं, कुछ लोग बैठ भी जाते होंगे लेकिन ज्यादा लोग नहीं बैठते होंगे। तो भाई इतना मेहनत कर रहे हैं तो क्यों आपसे नहीं होगा तो किससे होगा बताइए, होगा ना आपसे। तो इतना अंडर कॉन्फिडेंस मत रहिए, बस हम ये बोलना चाह रहे हैं आप लोगों को। और आप ही लोगों के सामने मैंने इसका प्रमाण दिया है, अंडर कॉन्फिडेंट आप इसलिए हैं क्योंकि आपके पास कॉन्टेंट नहीं है, डेप्थ नहीं है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऊपर नीचे करके देखिए आप यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास वो डेप्थ है, वो लगन है, वो इच्छा शक्ति है। क्योंकि अगर आपके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं होती तो सबसे पहले आप यहां होते ही नहीं, आप पेड क्लास लेते ही नहीं, आप सोचते हैं हाँ चलो ठीक है चलिए यूट्यूब का देख लेते हैं, उधर देख लेते हैं, उधर देख लेते, उधर देख लेते, मामला ही खत्म हो जाता। लेकिन अगर आप पेड क्लास में आए, इट मींस कि कहीं ना कहीं आप में वह इच्छा शक्ति है, वह आपके अंदर डेडिकेशन है जो आपको मजबूर करता है टू डू मच मोर हार्डर वर्क फॉर योर एग्जाम। ठीक है तो ये बहुत अच्छी बात है और इसी जोश को हमेशा ऊपर करके रखना है। ठीक, आइए अब थोड़ा सा पॉइंटर लिखवा देते हैं आप लोग सब लोग को। इग्नीशियस रॉक के बारे में सारे के सारे लोग लिखिएगा कि इग्नीशियस रॉक बेसिकली क्या होता है। ठीक है, इग्नीशियस रॉक के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, इग्नीशियस रॉक क्या होता है, तो इग्नीशियस रॉक के बारे में हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइएगा। पहला लाइन क्या लिखे बोलिए, जो बोलेगा सो लिखेंगे, पहला लाइन आप लोग जो बोलेगा सो लिखेंगे। इग्नीशियस रॉक सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है बताइए, आग्नेय पत्थर या आग्नेय चट्टान सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, जो बोलेगा वही लिखेंगे। आज आप हमको पढ़ाइए, आप लोग का थोड़ा कॉन्फिडेंस अप करने दे, बोलिए क्या होता है, बोलिए सब लोग आप ही लोग बताइए, जो बोलेगा वही लिखेंगे। सर सॉलिडिफिकेशन लावा के ठोस होने में, बहुत बढ़िया। चलिए एक बच्चा बोल रहा है कि सर सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा के कारण बन रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई इसी को थोड़ा हम अच्छे से लिख देते हैं, मैग्मा केम फ्रॉम वोल्केनो एंड इन द फॉर्म ऑफ लावा इन द फॉर्म ऑफ लावा एंड सॉलिडिफाई। यानी कि जो आप लोग बोल रहे हैं उसी में को लिख रहे हैं, मैग्मा ज्वालामुखी से बाहर आएगा लावा के रूप में और
ठोस होगा। तो मैग्मा क्या होता है कि भाई ज्वालामुखी से बाहर आता है लावा के रूप में और ठोस हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है, आग्नेय चट्टान जो है इसके कारण बन जाता है आग्नेय चट्टान। तो फॉर्म ड्यू टू सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। इसके अलावा दूसरा फीचर्स इसके बारे में, इट डजंट हैव लेयर। बहुत बढ़िया, इसमें क्या होता है, परत नहीं होता। दूसरा आप ही लोग बताए सर, लेयर इसमें नहीं होगा, इसमें फॉजिल्स नहीं होगा। बिल्कुल सही, जो फॉजिल्स नहीं होगा उसी को हम थोड़ा अच्छे भाषा में लिख देते हैं, डोंट हैव लेयर। इसमें क्या होता है दूसरा फीचर, दूसरे फीचर की बात अगर हम करते हैं तो इसका दूसरा फीचर क्या है, इट डजंट हैव लेयर, यानी कि इसमें परत नहीं होती है, यानी कि इसमें क्या होती है, परत नहीं होती है, ठीक है। और यह काफी ज्यादा क्या होता है, टू हॉट, इट इज टू हॉट, बहुत ज्यादा गर्म है क्योंकि लावा के अंदर से आया है तो टू हॉट है, इसीलिए डजंट कंटेन, दैट्स वाई doesn't contain fossils, यानी कि जो जीवाश्म है वो जीवाश्म इसमें नहीं होंगे क्योंकि यह क्या है, अत्यधिक गर्म है। यह क्या है, अत्यधिक गर्म होने के कारण जीवाश्म नहीं होंगे, और अत्यधिक गर्म है इसलिए जीवाश्म नहीं होगा। दूसरी चीज कि यह क्या है, मैग्मा है, और मैग्मा के कारण क्या हो रहा है कि बहुत तेजी से बाहर आने के बाद यह ठोस हो जाता है, तो बहुत तेजी से ठोस हो जा रहा है तो इसके कारण क्या हो रहा है कि यह काफी ज्यादा हार्ड रॉक होगा, और हार्ड रॉक बोले तो क्रिस्टलाइन रॉक होगा, दे आर वेरी हार्ड एंड क्रिस्टलाइन। They are very hard and crystalline. यह अत्यधिक ठोस और crystalline रूप में होते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो क्या है कि यह काफी ज्यादा अत्यधिक ठोस और काफी ज्यादा क्रिस्टलाइन रूप में हमें नजर आते हैं। क्रिस्टलाइन बोले तो काफी ज्यादा ठोस रूप में हमें यह नजर आते हैं। इसका उदाहरण की बात अगर हम करते हैं, ग्रेनाइट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। उदाहरण यहां लिख लीजिए, एग्जाम्पल ग्रेनाइट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, क्लियर है सब लोग को। इग्नीशियस रॉक सारे के सारे लोगों को क्लियर है, बताइएगा, इज इट क्लियर नाउ, बताइएगा सारे के सारे लोग, सारे लोग बताइएगा। चलिए अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं, आग्नेय चट्टान हमारा हो गया, इसमें जीवाश्म नहीं होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं हमारे अगले चट्टान, यानी कि अवसादी चट्टान, तलछटी चट्टान, जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। अब ये कैसे बन रहा है तो बताइएगा, ये कैसे बन रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, फॉर्म ड्यू टू लिथिफिकेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, ठीक है, फॉर्म ड्यू टू लिथिफिकेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, फॉर्म्ड ड्यू टू लिथिफिकेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, यानी कि पहले से मौजूद चट्टानों के टूटने
और उसके कारण परतदार संरचना से बनते हैं। दूसरा पॉइंट कि यह स्ट्राटा फॉर्म में होगा, फॉर्म्ड इन स्ट्राटा। स्ट्राटा शब्द का मतलब होता है परतदार, यह परतदार संरचना में होती है। और इस परतदार संरचना के कारण हम कह सकते हैं इसमें फॉजिल्स भी होंगे, है प्रेजेंस ऑफ फॉजिल्स। यानी कि हम जिसको कह सकते हैं जीवाश्म की, जीवाश्म की मौजूदगी इसमें होगी, यानी कि इसमें क्या होंगे, फॉजिल्स भी हो जाएंगे। इसके अलावा यह अगर देखा जाए तो तलछट से बनते, सेडिमेंट से बनते, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू सेडिमेंट, फॉर्म्ड ड्यू टू सेडिमेंट, यानी कि तलछटी के कारण बनते हैं, यानी कि फॉर्म ड्यू टू सेडिमेंट, तलछटी के कारण बनते हैं। ठीक है, तो इसकी एक अलग अपनी विशेषता हो जाएगी। इसके अलावा एग्जाम्पल लाइमस्टोन, सैंडस्टोन जिसको हम कहते हैं बलुआ पत्थर, इसके उदाहरण है। ठीक है, तो ये थी आपकी सेडिमेंटरी रॉक की कहानी। ठीक है, ये क्या थी आपकी सेडिमेंटरी रॉक की कहानी। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं हमारे अगले चट्टान, क्योंकि हम लोगों ने इन सारे के बारे में यहां पर सबके सारे वो पहलुओं के बारे में यहां पे हम लोगों ने एक रफ आइडिया ले ही लिया था। तो देख रहे हैं, एक रफ आइडिया किसी चीज के बारे में ले लेने के बाद अब आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत हो नहीं होगी, सब कुछ आपको आसानी से स्मूथी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट इज इग्नेशियस सेडिमेंटरी, एंड अगला क्या है हमारा, मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे हो रहा है, तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है दोनों के दोनों रॉक्स जो है अंडर हीट एंड प्रेशर बोथ, ये कैसे बन रहा है मैंने आपको बताया, बोथ इग्नेशियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स, रॉक्स सेडिमेंटरी रॉक्स की बात अगर हम करते हैं तो चेंज्ड अंडर, चेंज्ड अंडर हीट एंड प्रेशर, यानी कि दोनों आग्नेय और तलछटी चट्टाने अपना रूप बदल लेती है तापमान और दबाव के कारण, तो वो कहलाता है मेटामॉर्फिक। इसमें क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा रूप जो है उसको बदल दिया जा रहा है। मोटा मोटी आसान भाषा में कहा जाए कि जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको यहां पे बताऊंगा, जैसे देखिए ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या है, तो ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान, अभी जस्ट आपको बताया है ग्रेनाइट क्या है, एक आग्नेय चट्टान है, और जब ये आग्नेय चट्टान इसके ऊपर दबाव तापमान लगेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नीज में। ठीक है, नीज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या है, एक अवसादी चट्टान है, या जिसको हम कह सकते हैं तलछटी चट्टान है, सेडिमेंटरी रॉक जिसको हम कहते हैं, सेडिमेंटरी रॉक है, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसके ऊपर तापमान और दबाव दोनों जब आपके पड़ेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मार्बल में।
ठीक वैसे ही सैंडस्टोन, अभी जस्ट आपको एग्जांपल दिए थे, सैंडस्टोन भी क्या है तो एक सेडिमेंट्री रॉक ही है, जिसको हम कहते हैं बलुआ पत्थर। और ये बलुआ पत्थर किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्वार्टराइज में कन्वर्ट हो जा रहा है। किसके ऊपर, तापमान और प्रेशर दोनों आपके जब रोल अदा कर रहे हैं तो बलुआ पत्थर में हो रहा है। ऐसा ही कुछ है क्या मडस्टोन, मडस्टोन की बात अगर हम करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, स्लेट और चिस्ट दोनों में कन्वर्ट हो जा रहा है, समझे। और इसके अलावा एक और चीज, इसमें एक और चीज लिख लीजिए कि क्योंकि अपना रूप बदल लेती है तो नो फॉसिल्स फाउंड, क्योंकि अपना पूरा का पूरा रूप ही बदल रही है, किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं होगा, किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं होगा, ठीक है, किसी भी प्रकार का जीवाश्म जो है यहां पे नहीं होगा, इस चीज को ध्यानपूर्वक रखना है। तो नो फॉसिल्स फाउंड यानी कि किसी भी प्रकार का जीवाश्म जो है इसमें नहीं होता है, इस चीज को ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है, बराबर है, क्लियर है। तो ये थे हमारे तीनों के तीनों चट्टान, और एक यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोगों ने ऑलरेडी अभी सॉल्व किया है, यूपीएससी 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। डाउट है सर मेटामॉर्फिक में फॉसिल्स नहीं होते, लेकिन अगर ये अवसादी चट्टानों में रूपांतरित होंगे तो होंगे फॉसिल्स, हाँ बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे उसमें फॉसिल्स। क्यों होंगे फॉसिल्स, ध्यान रखिएगा, एक इनका डाउट है कि सर ग्रेनाइट में फॉसिल्स नहीं होता है, लेकिन जब वो सेडिमेंटरी रॉक बनेगा तो उसमें फॉसिल्स हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से मेटामॉर्फिक रॉक में फॉसिल्स नहीं होते हैं, लेकिन जब जैसे लेट अस सपोज, मान के चलिए लेट अस सपोज कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है जिसका नाम है नीज, ठीक है, नीज एक मेटामॉर्फिक रॉक है, समय के साथ इसके ऊपर वेदरिंग हुआ, वेदरिंग यानी कि तापमान, हवा, वायु, इन सभी लोगों ने रोल अदा किया, जिसके कारण ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटने लगी। अभी क्या हुई, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। अब जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, लेयर्ड इसका बन रहा है, ध्यान रखिएगा इसका लेयर्ड बन रहा है, और इसी बीच में कोई एक प्लांट जो है, वो प्लांट क्या हुआ, एक बहुत ही पुराना आदम प्लांट था जो इस समय का था, वो यहां पे बीच में गिर गया, लेकिन लेयर तो बनने का प्रोसेस जारी है, लेयर बन रहा है, लेयर एक कंटिन्यूअस बन रहा है, लेयर ये कंटिन्यूअस बन रहा है, और एक समय के बाद क्या हो जाएगा, ये सब कुछ कॉम्पैक्ट होकर के एक चट्टान बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे सेडिमेंटरी रॉक, तो इसमें आपको फॉसिल्स नजर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सेडिमेंटरी रॉक्स में ही आपके फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म जो है वह आपको मौजूद नजर आएंगे, इस चीज को ध्यानपूर्वक सारे लोगों को समझना है। यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है, बताइएगा इज इट क्लियर नाउ फॉर एवरीवन, सब लोगों को यहां तक सारी की सारी चीजें, सारे के सारे पहलू जो हैं क्लियर हो चुके हैं, बताइएगा इज इट क्लियर नाउ फॉर एवरीवन। चलिए तो ये चट्टान वाला जो टॉपिक है ये खत्म हुआ। एक एग्जांपल, एक और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है कि सर क्वार्टराइज इज अ मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ, अभी जस्ट आपको हम कुछ एग्जांपल्स लिखा है, क्वार्टराइज इज अ मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ किसका, तो सैंडस्टोन का है। क्वार्टराइज क्या है, एक रूपांतरित फॉर्म है, एक रूपांतरित होता है किसका, तो सैंडस्टोन का, अभी जस्ट आपको बताया है, और कुछ एक लिस्ट भी आपको बताया, ये भी यूपीएससी 2001 का क्वेश्चन है, और यहां पे आप देख सकते हैं ग्रेनाइट नीज में, लाइमस्टोन मार्बल्स में, सैंडस्टोन क्वार्टराइज में, और मडस्टोन स्लेट में या चिस्ट में आपको मौजूद नजर आ जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ सारे के सारे लोगों को, बताइएगा भाई सब लोगों को सारी चीजें क्लियर है, आ रहा है थोड़ा पल्ले पड़ रहा है ज्योग्राफी, अभी तो दूसरा ही दिन है, आ रहा है ना समझ में सबको भाई, जितने भी क्लास के मेरे बंधु लोग हैं उन लोगों को सबको समझ में आ रहा है, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं सबको सारी चीजें समझ में आ रही है, यस सर आ रहा है ना, तो भाई बोलते रहिए थोड़ा सा चहल पहल, एकदम बिल्कुल उस टाइप का नहीं कि हाँ ब्लैंक हो जाना है, सारी चीजें होना है, समझ में आ रही है, इट इज वेरी गुड थिंग, समझ में आनी भी चाहिए,
क्योंकि इतनी मेहनत सिद्धत वही वाली चीज है, एक क्लास के पीछे बड़ी मेहनत होती है हमारी भी और आपकी भी, तो समझ में आना चाहिए क्या थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मतलब आइडिया लग रहा है ना। किसी का कोई डाउट है अभी तक बताइए, कहीं से भी छोटा छोटा बड़ा से बड़ा डाउट आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट अभी तक जितने भी टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने कल से लेकर के अभी तक कम से कम 7-8 टॉपिक को तो कवर अप कर ही दिया है, तो इस पिछले 7-8 टॉपिक में किसी का भी कोई डाउट अभी तक किसी भी टॉपिक को लेकर के तो जरा बताइएगा। एनी काइंड ऑफ डाउट, किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट नजर आ रहा है तो बताइएगा। क्लियर है सबको, सारी चीजें एकदम बिल्कुल रापचिक तरीके से, सबको सारी चीजें क्लियर है। चलिए तो एक नया टॉपिक है, अब नया टॉपिक हम लोगों ने हमारा यूनिट 1 का एक छोटा सा टॉपिक कवर अप किया, एक चैप्टर कवर अप किया जिसमें हम लोग हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ को कवर अप किए। ठीक है, डाउट ये है कि सर मेटामॉर्फिक में भी फॉसिल्स हो सकता है क्योंकि ये सेडिमेंट से भी तो चेंज हो रहा है, कैसे होगा फॉसिल्स। अब जैसे मान के चलिए कि उसका केमिकल कंपोजिशन ही बदल गया ना, अब जैसे लेट अस सपोज मान के चलिए हम बात करते हैं हमारे रॉक साइकिल पे आते हैं। जैसे देखिए आप कह रहे हैं कि सर ये जो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है ये सेडिमेंटरी रॉक से बन रहा है, राइट। आपका जो प्रश्न है, आपके प्रश्न को मैं पुट ऑन कर देता हूं, यशवंत सिंह आपके प्रश्न को मैं पुट ऑन कर देता हूं। यशवंत जी आपका प्रश्न है, बाकी सब लोग भी सुनिएगा जितने भी लोग हैं, इनका प्रश्न है कि सर सेडिमेंटरी रॉक जो है सेडिमेंटरी रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है, यानी कि जो अवसादी चट्टानों से तलछटी चट्टानों से रूपांतरित चट्टाने बन रही है तो इसमें भी फॉसिल्स होना चाहिए। इसमें फॉसिल्स नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों इसलिए भी नहीं है क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है। जैसे मान के चलिए कि लेट अस सपोज कि एक लाइमस्टोन है, ठीक है, लाइमस्टोन से हम बात करते हैं मार्बल बना, लाइमस्टोन है यानी कि जिसको हम कह सकते हैं एक तलछटी चट्टान है और इससे क्या बना, मार्बल बना। तो लाइमस्टोन से मार्बल कैसे बना, तो सबसे पहले समझिएगा ध्यान से कि लाइमस्टोन के स्ट्रक्चर को समझिए, ये हमारी सतह है, जैसे मान के चलिए ये हमारा सतह है और लाइमस्टोन अंदर लेयरदार संरचना में है। जैसे लेट अस सपोज बात करते हैं कि लाइमस्टोन के यहां बीच में एक फॉसिल्स है, यहां पे एक मछली का फॉसिल्स आपको मौजूद नजर आ जाएगा, ठीक है, एक मछली का फॉसिल्स है। लेकिन अभी जो लाइमस्टोन है ये मार्बल बना, तो मार्बल कैसे बना, तो इसके नीचे इसके ऊपर बहुत समय तक एक प्रकार का दबाव पड़ा, प्रेशर, टेम्परेचर, तापमान और समय, और जिसके कारण ये जो लाइमस्टोन है इस लाइमस्टोन ने अपना रूप बदल लिया। कैसे रूप बदल लिया, बिल्कुल अपने आप को केमिकली जो है चेंज कर लिया। तो जब इस प्रोसेस में जब इसने अपने आप को पूरी तरीके से केमिकली चेंज किया, रासायनिक रूप से पूरी तरीके से बदल लिया, फिजिकली रूप से पूरी तरीके से बदल लिया, एक समय के बाद, ये नहीं होता एक दिन दो दिन, लाखों साल लग जाते हैं इसमें, करोड़ों साल लग जाते हैं, तो इस लाखों करोड़ों साल के बाद इस लाइमस्टोन ने अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया। इसके ऊपर तापमान दबाव ने एक जबरदस्त रोल अदा किया और क्योंकि इसका पूरा का पूरा केमिकल और फिजिकल दोनों चीज बदल गया तो इसी कारण से जो फॉसिल्स है यह तो नष्ट हो जाएगा, केमिकली चेंज हो गया ना, तो केमिकली चेंज हो गया तो फॉसिल्स नष्ट हो जाएगा। पढ़े ना केमिस्ट्री में आप लोग, केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पढ़े होइएगा। फिजिकल चेंज जैसे कि आप मोमबत्ती को जला रहे, मोमबत्ती को पिघल गया उसको वापस से जमा के कर दिया तो फिजिकल उसका चेंज हुआ। केमिकल चेंज जब केमिकली कोई चीज बदल जाता है तो उसको वापस से हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपने खाना खाया, खाना खा के चबा गए आपके पेट में चला गया, डाइजेशन हो गया, तो उसको वापस से आप खाना में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो वहां पे क्या हुआ कि आपके खाना से ग्लूकोज बना, आपके शरीर में एटीपी के फॉर्म में लिया गया एनर्जी। तो ठीक उसी प्रकार से ऐसी चीज जिसको केमिकली कोई चीज अगर चेंज होती है तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, या पढ़िएगा सुदीप सर आप लोगों को पढ़ाएंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज।
फिजिकल चेंज केमिकल चेंज में यही फर्क है कि केमिकल चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते, वो अपना एक नया रूप ले लेता है, और ठीक उसी प्रकार से यह लाइमस्टोन विच इज बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक, यह अपना एक नया रूप लेकर के मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि मार्बल बन गया, रूपांतरित चट्टान बन गया, और जब यह अपना रूप बदल लिया तो रूप बदलने का मतलब हुआ केमिकल और फिजिकल दोनों चेंज यहां पर हो गया, तो इसको हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। समझे मेरी बात साइलोम? क्लियर है? बताइएगा सब लोगों को सारी चीजें क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर नाउ सारे के सारे लोगों को? बोलेगा बराबर है, सारी चीजें सबको क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बराबर है ना, क्लियर है सबको? किसी का कोई डाउट है तो आज हम लोग यही रहने देंगे, और कल हम लोग पढ़ेंगे हमारे पृथ्वी के इतिहास के बारे में। अब बोलेंगे सर ज्योग्राफी में इतिहास कहां से आ गया, तो वो वाला इतिहास नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता और स्टोन एज और वैदिक सभ्यता, ये इतिहास है हमारी पृथ्वी का। अरे कोई नहीं, बहुत अजीब सा डाउट क्या था, डाउट डाउट होता है, अजीब सा डाउट और बिना अजीब सा डाउट कुछ नहीं होता है। सब कुछ ये क्लियर है? चले बहुत बढ़िया, तो उम्मीद करेंगे आपको आज की क्लास समझ में आई होगी जो भी चीज मैंने पढ़ाया, और मेरी मेहनत का फल रेटिंग के मार्फत आप लोग जरूर दे दीजिएगा 5-स्टार रेटिंग। आप लोग से अपेक्षा करेंगे कि आप लोग सारे के सारे लोग 5-स्टार रेटिंग दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत बड़ी शिद्दत से आपको पढ़ाते हैं। अगर आपके मन में है कि सर 5-स्टार रेटिंग नहीं देना है तो कुछ कारण होगा, उस कारण को पूछिए, अभी डाउट पूछिए और डाउट आपके मैं सॉल्व कर दूंगा, फिर उसके बाद 5-स्टार दीजिएगा। तो किसी का कोई डाउट नहीं है ऐसा उम्मीद कर रहे होंगे, तो भैया सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग रेटिंग 5-स्टार दे दीजिए, और मिलते हैं हम लोग हमारी अगली क्लास में, यानी कि अभी 10 बजे आप सबके समक्ष होगी YouTube पे क्लास, तो उस YouTube वाले क्लास में भी सारे के सारे लोग जरूर से जरूर आ जाइएगा, ठीक है? YouTube वाले क्लास में भी सारे के सारे लोग जरूर से पहुंच जाइएगा 10 बजे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।